भारत में जो बुलेट ट्रेन की आज जो बुनियाद अहमदाबाद में किया गया, ऐसे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उसका तो यूपीए सरकार और खास करके कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है, लेकिन जो बुलेट ट्रेन 3 साल 3 महीने के बाद जो उसका फाउंडेशन गुजरात में हो रहा है, ये सिर्फ चुनाव के दृष्टि से हो रहा है। इसको एक बुलेट ट्रेन जल्द से जल्द लाने का उनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो बात पहले ही अपने चुनावी भाषण के बाद पार्लियामेंट में हमेशा बोलते थे कि मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा और जो तेजी है, जो कम्युनिकेशन है, उसको हमने कम करने की कोशिश करेंगे और तेजी बढ़ाएंगे। ये जो बुलेट ट्रेन की आज क्रेडिट वो ले रहे हैं और इसके पीछे बुलेट ट्रेन की जो या स्पीड हाई स्पीड की जो ट्रेन की बात है, इसका तो 2005 से ये चल रहा है। 2005 के बाद इसको पूरी कोशिश की गई, सिर्फ अहमदाबाद बॉम्बे नहीं, चेन्नई बेंगलोर मुंबई, मुंबई अहमदाबाद, फिर दिल्ली, अमृतसर से लुधियाना, अमृतसर कलकत्ता को जोड़ने की, ये ऐसे 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स इस देश में लाने की एक पहले से प्रोग्राम था। और इसमें इसको यानी इसकी वायबिलिटी और किस हद तक ये फायदेमंद हो सकता है, इसके लिए एक जो एस्टिमेट बनाने के लिए चाइना को पूछा गया, जापान को पूछा गया, स्पेन को पूछा गया, लेकिन इन तीनों राष्ट्रों में से कोई ऐसी एक रिपोर्ट नहीं आई और उसकी कोशिश भी उतनी नहीं हुई। लेकिन बाद में कम से कम एक हाई स्पीड ट्रेन जिसको बुलेट ट्रेन के नाम से अब प्रचार हो रहा है और वो भी मोदी बुलेट ट्रेन हो रहा है, तो वो बॉम्बे पुणे कॉरिडोर था हाई स्पीड ट्रेन का, अहमदाबाद बॉम्बे पुणे वाया ठाणे से निकल के पुणे को भी जोड़ने की पहले ये थी प्रोग्राम था, लेकिन बाद में इसको मोदी जी ने सिर्फ अहमदाबाद से बॉम्बे, इसीलिए कि ये चुनाव भी आ रहे हैं और 3.5 साल तो उसमें वो अपनी
उन्होंने इच्छा नहीं जताई, लेकिन सिर्फ अब चुनाव के दृष्टि से बॉम्बे में फाउंडेशन डालने के बजाय जो फाइनेंशियल हेडक्वार्टर है देश का, आर्थिक एक हेडक्वार्टर है, ऐसे जगह डालने के बजाय उन्होंने अहमदाबाद चूज किया। और अहमदाबाद इसलिए चूज किया गया कि ये चुनाव आ रहे हैं, वहाँ के लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने ये किया है और दूसरा कुछ नहीं। और इसमें खास करके मैं बताना चाहता हूँ, 60,000 करोड़ रुपए लैंड एक्विजिशन के लिए है। जब तक लैंड एक्विजिशन पूरा नहीं होता तब तक तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला नहीं है। और 40,000 करोड़ एक ट्रैक के लिए खर्च किया जाएगा। सो टोटल कम से कम आज के दिन में जो 1,10,000 का प्रोजेक्ट है, ये तो 5-6 साल की वो बात कर रहे हैं, फिर ये बढ़ते बढ़ते कम से कम 1,30,000 या 40,000 करोड़ तक जाएगा। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मुझे भी अनुभव है, बहुत से प्रोजेक्ट जब हम करते हैं, चाहे वो इरिगेशन के हो, रोड्स के हो, बिल्डिंग के हो, तो उसके कॉस्ट भी बढ़ते हैं। लेकिन यहां पर एक तरफ कॉस्ट भी बढ़ेगा, दूसरे तरफ बुलेट ट्रेन इकोनॉमिकली नहीं है ये भी साबित इससे होता है। और अभी हमारे दोस्त ने कहा, फ्रेंड ने कहा कि 6-7 स्टेशंस, उसमें से खासकर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ गुजरात में है। अरे राजधानी भी नहीं रुकती, ऐसे जगह तुम बुलेट ट्रेन रोक रहे हो। तो ये जो चीजें हैं लोगों को बेखूफ करने की बातें हैं। और वो अभी मैं उनका भाषण भी सुना, तो भाषण में यही कह रहे थे रफ्तार से हम तेजी से बढ़ा देंगे। अब वो देश नहीं रहा, अब 25 साल में जो टेक्नोलॉजी आई है उसको हमको स्वीकार करके आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें उन्होंने बातें रखी है। लेकिन तेजी से काम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तैयारी होना चाहिए वो तो तैयारी नहीं है। लेकिन आज जापान के प्राइम मिनिस्टर को ले जाकर जो आप वहाँ पर फाउंडेशन डाल रहे हैं, और ये खुशी की बात है, इसके यानी हम कोई प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन किस मकसद से आप कर रहे हो और जो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। लोग कम से कम एयरफेयर 2,000 रुपये में बॉम्बे अहमदाबाद जा सकते हैं, सिर्फ 2,000 रुपये में, सिर्फ 70 मिनट में। आपका जो भाड़ा होगा कम से कम 2,800 से लेकर 5 करोड़ तक, सॉरी 5,000 तक, यानी आप सोचिए कम से कम 1,00,000 लोग अगर इसमें ट्रैवल करेंगे तभी फायदे का होगा। 1,00,000 पैसेंजर अगर रोज ना जाके आने का करेंगे तभी ये फायदेमंद होगा, नहीं तो ये पूरा घाटे में होगा। सिर्फ अहमदाबाद से बम्बई तक जाने वाले लोगों को फायदा। और वो भी वो बताए, पाप बेचारे अपने दिल में कुछ नहीं रखते, उन्होंने कहा ये गुजराती लोग बड़े होशियार होते हैं, अहमदाबादी बहुत होशियार होते हैं, पैसे पैसे का हिसाब डालते हैं, उन्होंने कहा, आप सुने होंगे। अरे भाई पैसे पैसे का हिसाब डालते हो तो 1,10,000 आज का एस्टिमेट कल के दिन 1,30,000 बन गया, तो भाड़ा भी उसी के हिसाब से आप डालेंगे, इसमें कौन गरीब बैठेगा।
कौन सा जिसकी बात आप करते हैं हमेशा कि ये गरीबों को फायदा होता है, अमीर लोग परेशान हैं, ऐसा ही कर रहे थे वो तालिबान जाने। तो जब मैं पूछता हूं कौन सा गरीब 5,000 रुपए देकर 2,800 देकर बैठेगा, आप ही कह मुझे बताइए, ये इनकी है। अरे इस देश में अभी बहुत से ट्रैक को मजबूत करना है, सेफ्टी मेजर्स लेना है, वो सब छोड़ दिए, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी आपने बताया सिर्फ एक साल में 19 मेजर एक्सीडेंट हो गए, 500 से ज्यादा लोग मर गए, उधर आपका ध्यान नहीं है। कम से कम आपके पास जो एक्साइज के रूप में पेट्रोल और डीजल के जो एक्साइज आप डालकर जो पैसा वसूल कर रहे हैं, आज कम से कम ये 2-3 साल में आपको 1,75,000 करोड़ का फायदा हुआ है। उसमें से 40-50 हजार करोड़ निकालकर इस सेफ्टी को दे दो जो लोग मर रहे हैं। ये छोड़ दिए बुलेट ट्रेन लाया मैं, अहमदाबाद से मुंबई जाएगा सिर्फ 2-3 घंटे में। अगर ये बात बोलते रहे तो ये ठीक नहीं। देश के हित में और देश में जो चीज जिसको प्रायोरिटी देना चाहिए उसको पहले प्रायोरिटी दे, उसके बाद में जिस चीज को करना चाहिए हम करेंगे। तो इसलिए जो मोदी जी का ये बुलेट ट्रेन, ये चुनावी बुलेट ट्रेन है और ये 2-3 साल में तो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा टारगेट 2020 की 22 की इसलिए रखते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन भी उसी में। अरे मैंने तो कहा था ये इलेक्शन में मुझे वोट दो, आपका पूरा पूरे बुलेट ट्रेन कंप्लीट हो जाएगा, उसमें बैठ के आप मुंबई जाएंगे। तो ये ऐसा लोगों को गुमराह करने से लोग बार बार बेखूब नहीं बन सकते। एक बार हो चुका है, फिर आइंदा ऐसा नहीं होने देंगे। इस देश के लोग बड़े होशियार हैं और मैं चाहूँगा कि जो आज जो उन्होंने अपने आप को पीठ थपथपा लिया कि मैंने ये किया मैंने वो किया, वहाँ पर बुला के लाए, तो इनको जब वाराणसी लाए थे उस वक्त भी यही बात किए थे, अरे वाराणसी को मैं क्योटा बना के जाऊँगा, क्योटा से टोकियो जैसा स्पीड ट्रेन जाती है ना बुलेट, क्योंकि मैं भी एक बार गया था जब ये विकास स्वरूप जो स्लम डॉग्स का एक लेके थे वो वहाँ पर ही थे कमिश्नर उनके, मैं देखा वहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट का एक फंक्शन था तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी आए थे उस वक्त 2011-12 में। तो वो पाप बेचारे बोले कि मेरा ट्रेन का टाइम हो गया, क्योटा से मेरे टोक्यो जाना है, इसीलिए मेरे को पहले बोलने दीजिए बोले। तो वो भाषण करके प्राइम मिनिस्टर चले गए ट्रेन से, तो वो वहाँ पावन है, यहाँ पर सिर्फ भाषण देना और भूल जाना। तो ये आज हमको सोचना है, क्योंकि रेलवे में कम से कम एक तरफ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एक तरफ काम की बात करने का आप भर्ती करने का आप भूल जाते हो। रेलवे में 3 लाख से अधिक वैकेंसीज हैं, क्रिएट करने का नहीं, क्रिएटेड वैकेंसीज 3 लाख, और उसमें सेफ्टी के जो संबंधित नौकरशाही है वैकेंसीज है 1,42,000 है। तो आप सोचिए क्या सेफ्टी होगी, इसको तो करना होगा। नहीं तुमने क्या किया 70 साल में, भाई हमको तो ऐसा बोल बोल के तो तुम अधिकार में आए, तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे सामने है वैकेंसीज हैं। तो इसीलिए पहले वैकेंसीज भरो, सेफ्टी के लिए 40,000 करोड़ की जरूरत है वो दे दो, फिर बुलेट ट्रेन का जो 1% इंटरेस्ट है 1 रुपया इंटरेस्ट है
वो बार बार बोल रहे थे 0.1% मिल रहा है, ये मेरा बड़ा दोस्त है। भाई कोई दोस्त चैरिटी नहीं देता, मैन्युफैक्चरिंग वही करता बोगी का, रेल के ट्रैक वही बना के देता, उसमें कितना कमीशन जाता किसको मालूम, उसकी कॉस्ट कौन है, क्या तुम्हारे पास तो बनाने वाले नहीं है, मेक इन इंडिया नहीं, बारो इंडिया हो गया ये तो, क्या यहां फैक्ट्री बनाए हैं क्या, अभी फैक्ट्री रेडी है कि आते ही आज फाउंडेशन डालते ही अपने इंजन वो ये बना के 3 साल में सब होगा? अरे फैक्ट्री बनाने को 2-3 साल होना पड़ता है, फिर मेक इन इंडिया का कहां हो गया? तो ये ऐसी चीजें करके गुमराह करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो इस बातों में जनता न आए, और जो चीजें जरूरी है उन चीजों के ऊपर ध्यान ये सरकार दे, ऐसी मेरी इच्छा है। आपने भी कहा कि ये बुलेट ट्रेन देश के हित में नहीं है, ये आपकी सरकार भी कि बुलेट ट्रेन का नहीं, मैं हित में नहीं है बोला, ये देखो पहले ही स्वागत किया, मैं बोला कि जो बुलेट ट्रेन दिसंबर 2013 में इसके लिए इसका सर्वे करने के लिए हमने भेजा था, 18 महीने का टाइम जापान को दिया था, 18 महीने में उन्होंने सर्वे करके 2015 में रिपोर्ट दिया, और उस आधार पर ये लोग अगस्त 2015 में आया, तो अब तक क्यों चुप बैठे? ये चुनाव के दृष्टि से आप कर रहे हो, ये हमारा चार्ज है। आपका क्या रिप्लाई बोली? हाँ, रिपोर्ट आने के बाद उसके प्रो एंड कॉन्स तो देखना चाहिए, किस हद तक अब ये ठीक है। जब उन्होंने रिपोर्ट आपको भेजा है और आप स्वीकार कर रहे हो, क्या ये फायदेमंद है क्या नुकसान है? क्योंकि वो गुजराती लोग फायदा और नुकसान जल्दी सोचते हैं, तो ये तो सोचना चाहिए था ये फायदे का है। क्या एयरक्राफ्ट में अगर जाता है, फ्लाइट में जाता है तो 2000 में जाता है, अगर ट्रेन में जाता है तो 2800, और फर्स्ट क्लास में जाता है तो 5000। नहीं नहीं सुनिए, तो ये है, तो जब ये है तो आपको सोचना चाहिए था। हमारा कहना यही है कि ये प्रायोरिटी किसको देना चाहिए था, तो आपने दिया ठीक है, लेकिन ये सपना चुनाव के दृष्टि से आप लोगों को दे रहे, ये हमारा चार्ज।